तो भाई लोग क्या हाल चाल और कैसे आप लोग। तो भाई लोग आ चुका तुम्हारा भाई फिर से एकदम ब्रांड के साथ वापस। तो यार आज के इस वीडियो में टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं। तो यार बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला आप लोगों के लिए। तो बस यार आप लोग ना इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो पसंद तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। जब भी आप लोग भवंडर जगह पे उतरो तो मिलिट्री बेस में आप लोग यहाँ पर देखना कि बहुत ज़्यादा बॉट आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, गन लेके यहाँ पर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर ना 8 से 10 बॉट आ जाते हैं और आप लोग उसमें से 7 या फिर 5 किल निकाल लोगे इजिली। यहाँ पर तो मैं बहुत ज़्यादा किल लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है इधर से काफ़ी ज़्यादा बॉट आते हैं। तो ये बोनस था, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा क्योंकि बॉट बहुत ज़्यादा इधर आते। जब भी आप लोग खुले पे रहो तो आप लोग क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर पे ना यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे स्प्रे मारना है ताकि बंदे डरे रहे कि बंदे को एकदम सीधा हेड पे लगेगा। वैसे यहाँ पर मैं इजीली नॉक कर देता हूँ, तो आप लोग बीच बीच में स्प्रे मारना है। ऐसे करने से ना एनिमी डरे रहेंगे और भाई बंदे का एकदम कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जब भी आप लोग कुछ इस तरीके से घरों पे रहो और बंदे क्या कर रहे हैं, रस कर दे और आप लोग ऊपर की तरफ रहते हो, तो आप लोग को ऐसे कुछ इस तरीके से बैठे रहना है और जैसे एनिमी आए आप लोग एकदम सीढ़ी को पूरा एकदम मार देना है। जो भी बंदे इंटर करे तो बहुत सारे बंदे लेकिन क्या कर देना, पिक लेके ऐसे खड़े रहते हैं। तो यार ये ऐसे आप लोग मत रहो क्योंकि भाई बंदे जब भी नीचे से आएंगे ना, तो जब भी वो फायरिंग करें तो सीधा टक टक भाई 3 हेड ऐसे ही ईजिली लग जाएगा। तो आप लोग कभी भी ऐसे मत करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रिक था। चलो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। जब भी आप लोग सखाराम से जा रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है ना, ऊपर नीचे जगहों पे ना आप लोग का जो गाड़ी है वो उलट पुलट हो जाता है। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले उतरना है और यहाँ पर जो टायर है ना उसको फोड़ देना, ताकि वो जो गाड़ी का जो टायर है वो नीचे की तरफ सट जाए और जो भारी हो जाता थोड़ा। और जब भी कहीं आप लोग ऊपर नीचे जगहों पर जाओगे तो वो गिरती नहीं है, जैसे भाई कभी कभी ना गाड़ी पलट जाती है तो आप लोग का वैसे होगा नहीं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गाड़ी पलटने वाली थी लेकिन उसकी वजह से नहीं हुआ। जब भी आप लोग के पास 10 टोकन जमा हो जाए तो आप लोग को शॉप पे जाकर यहाँ पर 50 एमओ वाला यहाँ पर मैक खरीद लेना है। अगर आप लोग ये खरीद तो ना काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है इसका। जब भी आप लोग किसी भी एनिमी को फ्री फायर या फिर स्प्रे दे रहे हो तो 10 एमओ काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और आप लोग ईजिली 50 एमओ से किसी भी एनिमी को ईजिली स्प्रे वगैरह फिर रस वगैरह फ्री फायर दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है इसका। तो आप लोग हमेशा खरीद लेना, बहुत सारे बंदे वेस्ट कर देते हैं। मतलब जब भी आप लोग किसी भी एनिमी को मार रहे हो ना, तो आप लोग को सीधा खड़े खड़े नहीं मारना, कभी कभी ना आप लोग को लेट कर मारना है। जैसे यहाँ पर मैं मार रहा था, अगर मैं खड़े होकर मारता ना पूरी की पूरी एमओ मेरे को लगती और भाई इसका जो भाई बंदा है ना मेरे को नॉक फिनिश कर देता। तो यार आप लोग ऐसे कर लेना, लेट जाना बंदे के सामने। जब भी आप लोग किसी बंदे पे रस करो ना, तो आप लोग फ्री फायर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर रस करता हूँ तो जो भी बंदे हैं ना, पहले तो इसको मैं इजीली मार देता हूँ। तो अब देखना मैं कैसे फ्री फायर देता हूँ। जैसे वो बंदा इंटर होने से पहले मैं वहाँ पर फ्री फायर दे रहा था, अब देखते तो सेकंड जो थर्ड बंदा आता है ना उसको भी मैं यहाँ पर ऐसे ही मारूंगा। तो देखो तो पहले इसमें फायरिंग दी और वो बंदे का एचपी लो था, तो यार इजीली मर गया। तो आप लोग हमेशा फ्री फायर देना जब भी कोई भी बंदा आता है। जब भी आप लोग पे रस हो रहा कुछ इस वाले घर पे, तो आप लोग क्या करते हो ना, खड़े खड़े यहाँ पर देखते हो लेकिन बहुत सारे एनिमी ना इजीली मार देते हैं। तो आप लोग छत पे आना और यहाँ पर एफपीपी करके कुछ इस तरीके से इंतजार करना है और बंदे सोचेंगे वो सामने ही तरफ होगा लेकिन आप लोग यहाँ पर ना इजीली मार दोगे। जैसे यहाँ पर इस वाले एनिमी को मार दिया, उसको लगा मैं यहाँ पे होऊंगा लेकिन भाई मैं तो कहीं और ही था। तो ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। जब भी आप लोग किसी भी एनिमी को स्प्रे मारते हो तो क्या करते हो ना, एक ही स्प्रे पूरा का पूरा मारा जाता है लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा डैमेज दो फिर बैठना है। जैसे यहाँ पर ये पीले कपड़े वाले एनिमी को मैं मारता हूँ, तो जैसे यहाँ पर मैं स्प्रे मारता हूँ वो फिर मारने वाला रहता तो मैं बैठ जाता हूँ और वो जैसे छोड़ता फिर मैं मारना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसे दोनों बंदे को मैं ले जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है। जब भी आप कोई बड़े घर से कूदते हो ना, तो आपका जो एचपी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। तो आप लोग कैसे कूदना, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को थोड़े से छोटे जगह पे देखना है कि कहाँ पे थोड़ा बॉर्डर है, कहाँ पे कुछ है, तो आप लोगों ना उस पर पहले कूदना, फिर थोड़ा थोड़ा जगह से आप लोग कूदना। जैसे यहाँ पर देखते तो मेरे एक भी एचपी नहीं गया, तो ऐसे करके आप लोग कहीं सारी बड़े वाले घर से कहीं पर भी चेक कर लो कहाँ पर कुछ है, उसी पर कूद जाए। होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आता है, अगर पसंद तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और भाई लोग अगर आप लोग को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो यार अपने बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो ऐसे ही आते रहेगा। तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग मैं मिलूंगा किसी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।